हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर यू फाइन। लास्ट लेक्चर में हमने किया था टेबल 2 और 3। आज के लेक्चर में हम करेंगे ट्रिक ऑफ टेबल 4। देखो, 4 का टेबल लर्न करने का सबसे इजी वे आउट क्या है? जिसको 2 का टेबल लर्न हो गया वो 4 का आराम से लर्न कर सकता है। तो कैसे कर सकता है? तो सबसे पहले 4 का टेबल क्या होता है? 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36 एंड 4 10 40। इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या बनाए? 2 एम बनाए। अब ये जो एम बनाए हैं, इनके अकॉर्डिंगली 4 का टेबल कैसे लर्न करना है? 2 का टेबल लर्न हो गया ना, तो 2 के टेबल के अकॉर्डिंगली 2 1 2, ये देखो 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10। 0 लिखोगे 1 नेक्स्ट आएगा। आगे अगेन m, कहाँ तक हमारा खत्म हो गया? 5 तक। 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 10 20। ये तो हमने लिख लिया 2 का टेबल। अब इनके अकॉर्डिंगली जो हमारे बॉटम्स हैं उन पे क्या हमने लगा दिया? 0। जब ये 0 यहाँ पे शिफ्ट होना है तो 0 में 1 ऐड होना है, वो क्या हो गया? 1 1। जब लास्ट नंबर आया, हमने 2 का टेबल किया था, तो यहाँ पे 1 और ऐड होता था, वो कितना हो गया? 2। अब नेक्स्ट क्या आएगा? देखो 2 पे खत्म हुआ 2, यहाँ पे कितना हो गया आपके पास? 2। अब जब नेक्स्ट रो में आएंगे तो 1 ऐड होगा, तो 2 में 1 ऐड किया, ये कितना हो गया? 3 3। लास्ट क्या आएगा? 3 में ऐड किया 1, वो कितना हो गया हमारे पास? 4। अब एक बार दोबारा देख लो 4 का टेबल हमने कैसे किया। सबसे पहले 2 का टेबल लिख लिया, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10। तो पूरा नंबर नहीं लिखना, सिंगल राइट साइड डिजिट लिखना है। नेक्स्ट 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 10 20। अब क्या करना है? 0 0 लगा दिया। जब बॉटम से हमने डाउन आना है तो क्या करना है? 1 ऐड करना है, तो 1 1। यहाँ पे जब हमने लास्ट नंबर में पहुंचना है तो जो लास्ट प्रीवियस नंबर है उसमें क्या करना है? 1 ऐड, 1 + 1 कितना हो गया हमारा? 2। अब सेकंड एम पे जब आओगे, जो लास्ट टर्म थी कहाँ पे खत्म हुई? 2 पे। तो जो 2 पे खत्म हुई वहीं से स्टार्ट करना है, 2 2। जब नेक्स्ट पे आना है तो क्या करना है? 1 ऐड, तो वो कितना हो गया? 2 + 1 3 3, यहाँ पे ऐड किया 3 + 1 4। तो टेबल क्या बन गया हमारा 4 का? 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 10 40. This is the easiest way to learn for the table 4. This is the trick of table 4, Rajay. तो आप इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, जिनको ऐसे क्रैम करना मुश्किल लगता है, वो आप 2 एम बनाओ। एम बनाने के बाद आपने क्या करना है? 2 का टेबल लिखना शुरू किया, शुरू कहाँ से करना है? दिस वन। यहाँ से हम एम बनाना शुरू करते हैं, तो उसके लोएस्ट पॉइंट से हमने 2 का टेबल लिखना शुरू करना है, और जहां पे ये टर्म खत्म होती है उसमें हमने 1 ऐड करना है, और जहां पे लास्ट लेग है एम की उसमें हमने प्रीवियस नंबर में 1 ऐड करना है। तो जब आप ये सारा प्रोसीजर कर लोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा? टेबल ऑफ 4। अब इसके आगे हम करते हैं टेबल 5। यस राजे, नेक्स्ट है हमारा टेबल ऑफ 5। तो 5 का टेबल कैसे होता है? 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 10 50। तो टोटल 5 है, तो हमने 5 कॉलम्स बना लिए 2 रोज में। देखो यहाँ पे रिपीट नंबर क्या हो रहा है? 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0। इट मीन्स जो हमारा फुल टेबल है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? 5 और 0 पे।
तो हमने देखो लिख लिया 5050505050050, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, फर्स्ट नंबर इज 0, नेक्स्ट क्या आएगा 11, रिपीट होगा क्योंकि 50502 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, तो ये क्या हो गया 11 11, के बाद क्या आएगा 22। जब हम नेक्स्ट रो में शिफ्ट होते हैं तो एक नंबर रिपीट होने के बाद उसमें ऐड होता है, तो 2 में जब 1 ऐड करोगे तो वो कितना हो गया 3, इट मींस 3 3 4 4, लास्ट वन इज 5, क्लियर है। देखो एक बार फिर, हमारा नंबर किस पे डिपेंड करता है, 5 और 0 पे। देखो 50505, 5 तो खत्म हो गया, इससे बाद किसकी टर्न आनी है 0 0 5 0 5 0। अब दो दो नंबर रिपीट हो रहे हैं तो 0 एज इट इज, आगे क्या आया 1 1 2 2, जब नेक्स्ट रो में आना है तो 1 ऐड होता है तो वो कितना हो गया 3 3 4 4, लास्ट जो नंबर होता है उसके प्रीवियस नंबर में 1 ऐड होता है तो 4 प्लस 1 कितना हो गया 5। तो ये देखो, ये आपके पास 5 का टेबल तो नहीं बन गया, आपके पास पूरा 5 का 5 का टेबल है। क्या बना है, 5 1s are 5 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 6s are 30, 5 7s are 35, 5 8s are 40, 5 9s are 45, and 5 10s are 50। यही तो आपका पूरे का पूरा 5 का टेबल था। तो रजन, ये आपकी ट्रिक्स है टेबल के लिए, जब हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे उसमें 7 8 और 9 का टेबल करेंगे। 9 का टेबल तो सबसे इजी होता है, तो फिर भी हम उसकी ट्रिक्स करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है टेबल लर्न करने में तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो अगर कुछ समझ में नहीं आया। ओके, थैंक यू डियर।